अभी हमारे शिवराज सिंह जी से चर्चा कर रहे थे, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, बहनों भाइयों, हमारे यूक्रेन में जो भारत के 22,000 से अधिक बच्चे फंसे हुए थे, उनके माता पिता यहां शोर मचा रहे थे कि हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, कभी भी उनके जान के ऊपर संकट आ सकती है, भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को जल्दी से उन्हें बाहर लाना चाहिए। आसान काम नहीं था, दुनिया के कई देशों के बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे, रूस भी कोई कमजोर देश नहीं है, रूस के साथ यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उस जिस काम को नहीं कर पाया, उस काम को यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहनों भाई, आप ये कहेंगे कि मोदी जी ने कौन सा करिश्मा कर दिया, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की, तीनों से बात किया और दुनिया का कोई नेता नहीं कर सकता था, बात किया और थोड़ी देर के लिए युद्ध रोक दिया गया और हमारे सारे भारतवासी बच्चे भारत वापस आ गए। यह है भारत, दुनिया में भारत की हैसियत बढ़ी है, दुनिया की नजरों में अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं रहा है, दुनिया की नजरों में मेरे बहनों भाइयों हमारा भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। ऐसा नहीं है कि जो चाहे भारत को आंख देख दिखाकर निकल जाए, लेकिन हमारे कांग्रेस के नेता लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे भारत के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर भी वह सवालिया निशान लगाने की जरूरत करते हैं। बहनों भाइयों, जो हमारा सेना का जवान हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर, क्या क्या बातें कांग्रेस के नेताओं ने की हैं, और एक नेता जो इसमें भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, जैसे पता नहीं क्या हो गया उनको, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं खुलकर नहीं बतलाऊंगा, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं बहनों भाइयों, जो भी इस बार युद्ध हुआ है, चाहे भारत चीन के साथ, उसमें जिस शौर्य पराक्रम का परिचय हमारी सेना के जवानों ने दिया है बहनों भाइयों, यदि मैं उसकी चर्चा किसी के सामने में कर दूं, सबका सीना चौड़ा हो जाएगा, हर भारतीय का। बहनों भाइयों, वह करिश्माई काम किया है, और मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर भारत के सेना के जवानों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा है, जो चाहे वह आंख दिखाकर निकल जाए, वैसा भारत नहीं है, भारत अब बदल चुका है मेरे बहनों भाइयों, आप यकीन रखना। और अब तक जिस शौर्य पराक्रम का परिचय हमारे जवानों ने दिया है अद्भुत है, लेकिन बार बार उस सेना के बारे में इधर उधर की बातें की जाती हैं, मेरी समझ में नहीं आता क्या हो गया है इन लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय जगत में, सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है मेरे बहनों भाइयों, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, आप यहां के लोग भी यदि दुनिया के दूसरे देशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिए कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, बोल कर गए हैं, क्या यह सच है कि नहीं है। पहले भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी, अब भारत बोल रहा है, कमजोर देश है, जो सुनना चाहिए उसको भी लोग अनसुना कर देते थे, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की वह हैसियत बनी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ भारत बोलता है मेरे बहने भाइयों, तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है, यह भारत की हैसियत बढ़ी है। आज उस भारत के बारे में भी अनाप शनाप की बातें, और एक कांग्रेस के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले,
बहनों भाइयों, भारत हमारा टूट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे कुछ पीछे के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा भारत टूट रहा है? इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या टूट रहा है? वो भारत जोड़ने के लिए निकले। भारत को टूटना था तो एक बार टूट चुका, 1947 में ही टूट चुका। भारत माता के दो टुकड़े हो गए, भारत पाकिस्तान बन गया। बहनों भाइयों, उस समय भी हमारे जो नेता थे उनके दिल की यह हसरत थी, उनकी भी यह ललक थी, भारत टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हो गया, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, किन परिस्थितियों में हुआ है। और आज ये राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है? क्या सारे देश में मोदी जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या यह नेता लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं? कहां उनको नफरत दिखाई देता? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, इसका उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत में नफरत ही नफरत है। जिस भारत की इज्जत सारी दुनिया में बड़ी है, जिस भारत ने, और दुनिया का इकलौता देश हमारा यह भारत है बहनों भाइयों, कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, यदि दुनिया को कहीं से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है मेरे बहनों भाई। और उस भारत को बदनाम किया जा रहा है कि भारत में नफरत ही नफरत है। राहुल जी, आपको हो क्या गया है? मोदी जी नफरत पैदा कर रहे हैं, नफरत पैदा करके आप पुनः सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नफरत पैदा करके सत्ता नहीं हासिल की जा सकती है। यदि सत्ता हासिल की जा सकती है तो बहनों भाइयों, जनता का विश्वास प्राप्त करके, जनता की मोहब्बत हासिल करके ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे हमारे शिवराज सिंह जी यहां मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। इधर उधर की बातें जो मन आता है वह बोलते रहते हैं। बहनों भाइयों, हमारे भारत ने कभी भी जाति, पंथ, मजहब, इस आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है सभी भाई भाई हैं। भारत को जो आजादी हासिल हुई है उसमें अपना बलिदान देने का काम हर धर्म के लोगों ने किया है, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह हो, चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे अशफाक उल्ला खां हो। क्या दीवानगी थी, 26 साल की जवानी चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ। वहीं हम अशफाकुल्ला खां को भी नहीं भूल सकते। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा अशफाकुल्ला शादी कर ले, बहुला मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्ला के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुरा कर वह अपनी मां के आग्रह को टाल देता। जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में अशफाकुल्ला को फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्ला, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है, ताकि तुम्हारी अंतिम मुराद को का संदेश मैं तुम्हारी मां तक पहुंचा दूं। अशफाकुल्ला खान ने कहा, ए मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे
कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, अपनी निकाह करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या अशफाकुल्ला तुम पागल हो गए हो? कहां है वह लड़की जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम शादी रचाने जा रहे हो? बहादुर अशफाकुल्ला खान ने कहा था, मेरे बहनों भाइयों, क्या है मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूं, अंधे तुम हो गए हो। क्या तुझे दिखाई नहीं देता है मेरी आंखों के सामने यह जो फांसी का फंदा है, यही वो हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। मैं राहुल जी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, नफरत नफरत की बात करके हिंदुस्तान की छवि को दुनिया में खराब मत करिए। आप नफरत नफरत करके नफरत पैदा कर रहे हैं। आप दुनिया के लोगों के बीच जाकर, आप भारत के लोगों के बीच जाकर मोदी जी के प्रति नफरत पैदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत पैदा करते हैं। किसके प्रति आप नफरत पैदा करते हैं? देश इस सवाल का जवाब चाहता है। लेकिन सारी दुनिया में तो यही छवि बन रही है कि भारत में नफरत ही नफरत है। और कहते हैं कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत बेचने के लिए निकला हूं। बहनों भाइयों, कुछ मोहब्बत आपको भी मिली है उनकी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कुछ मोहब्बत दिया है कि नहीं दिया है?